हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 12.4 पे और क्वेश्चन नंबर है 1। इन फिगर 12.91 इट इज गिवन दैट ए बी इक्वल टू, देखिए इसमें क्या है, ए बी इस सी डी के इक्वल है एंड ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी जो है इस बी सी के इक्वल है। तो प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए डी सी कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल सी बी ए के। ए डी सी ट्रायंगल सी बी ए के कॉन्ग्रुएंट होगा। चलिए देखते हैं हमारे पास क्या गिवन है और क्या प्रूफ करना है। गिवन है यहाँ पर कि ए बी इक्वल टू में है सी डी एंड ए डी इक्वल टू में है बी सी। टू प्रूव ट्रेंगल ए डी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल सी बी ए। चलिए अब हम लोग इसका यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये दो चीज दिया है, तीसरा ये यहाँ पे देखिए कॉमन हो जाएगा साइड दोनों में, इसमें देखिए ए सी और इसमें सी ए दोनों में है। चलिए तो लिखते हैं इन ट्रेंगल ए डी सी एंड ट्रेंगल सी बी ए। तो देखो ना, इसमें इसमें दिया हुआ है यहाँ पर इसका साइड सी डी, देखिए ए डी सी में, देखिए ए डी सी में आपका ये सी डी है और सी डी किसके इक्वल है, ए बी के। ये हमारे पास गिवन है, उल्टा दिया है यहाँ पर ट्रेंगल, यहाँ पे ऐसे दिया है और इसमें उल्टा दिया है एक दूसरे के, तो उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे है ना। इसमें सी बी सी डी इक्वल टू ए बी लिख लेते हैं। चलिए अब इसके बाद देखिए दूसरा साइड यहाँ पे दिया हुआ है ए डी इक्वल टू बी सी, इस ट्रेंगल ए डी सी का साइड ए डी है, ए डी किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है, ये भी आपके पास गिवन है, दोनों ट्रेंगल का साइड है। और तीसरा देखिए इसमें का साइड ए सी जो है ना, इसमें के सी ए के इक्वल होगा, ए सी किसके, सी ए के इक्वल हो जाएगा, एक कॉमन है दोनों ट्रेंगल में है ना जी। ये वाला देख रहे ना, इस ट्रेंगल ए डी सी में भी है और यहाँ पर दूसरे वाले ट्रेंगल सी बी ए में भी है। तो ट्रेंगल ए डी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रेंगल सी बी ए के, कैसे, साइड 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 कॉन्ग्रुएंस से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, समझ गए। प्रूव होकर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू देखिए। इन ए ट्रेंगल पी क्यू आर, पी क्यू इक्वल टू में क्यू आर, एल एन एम एन आर आर, एल एम एन एन आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड पी क्यू क्यू आर एंड आर पी रेस्पेक्टिव, प्रूव डेट एल एन इक्वल टू में एम एन। चलिए मैं यहाँ पे एक ट्रेंगल ए बी सी लेता हूँ, ठीक है, ये ऐसा ट्रेंगल है, ऐसा ट्रेंगल दिया हुआ है, ट्रेंगल ए बी ट्रेंगल पी क्यू आर, जिसमें दिया हुआ है कि जो पी क्यू है ना इस क्यू आर के इक्वल है। अच्छा क्या दिया है, और यहाँ दिया हुआ है कि एल एम एन एन आर द मिड पॉइंट ऑफ, यहाँ देखिए इसका मिड पॉइंट है एल, इसका मिड पॉइंट है एम और आर पी का मिड पॉइंट है एन। चलिए इनको ज्वाइन कर देते हैं, इन मिड पॉइंट्स को, यहाँ पे एक ट्रेंगल फॉर्म हो जा रहा है इसे, तो ठीक है। हमें क्या करना है, हमें दिखाना है कि ये जो एल एन है ना, एल एन इक्वल है एम एन के, इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। चलिए हम लोग देखते हैं जो गिवन है, पहले लिख देते हैं। गिवन में इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू इक्वल टू में क्यू आर, एल एम एन एन आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स पी क्यू क्यू आर एंड आर पी रेस्पेक्ट टीवली, ठीक है। टू प्रूव एल एन इक्वल टू में एम एन। चलिए अब हम लोग इसका यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। अच्छा देखो हमें इसको इसके इक्वल करना है। अच्छा ये जब मिड पॉइंट दिए गए हैं तो जाहिर सी बात है इनको ज्वाइन करने वाला लाइन, यानी कि ये यहाँ पर इन दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला थर्ड साइड के पैरेलल होगा, चाहे इस इन दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगा, चाहे इन दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगा, है ना जी, मिड पॉइंट थ्योरम से होता है ना जी। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि एम एंड एन आर द मिड पॉइंट ऑफ, एम किसका है, क्यू आर एंड पी आर रेस्पेक्टिवली। तो मिड पॉइंट है तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एम एन जो होगा, एम एन वह पैरेलल होगा पी क्यू के एंड एम एन जो होगा हाफ होगा किसके, पी क्यू के, ठीक है। कैसे होगा, तो बाई मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। अच्छा इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। सिमिलरली
यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ लिख सकते हैं कि L एंड N आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ऑफ साइड्स पी क्यू एंड पी आर रेस्पेक्टिवली। तो यहां से आपका हो जाएगा एल एन पैरेलल टू क्यू आर एंड एल एन हाफ ऑफ क्यू आर बाई मिड पॉइंट थ्योरम। इसको इक्वेशन से कर लेते हैं। आपके पास ऊपर पी क्यू जो है ना क्यू आर के इक्वल हमारे पास गिवन है। यहाँ पर ये पी क्यू क्यू आर के इक्वल है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाई वन बाई टू, मल्टीप्लाई बाई वन बाई टू इन बोथ साइड। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो हाफ ऑफ पी क्यू इक्वल टू में हाफ ऑफ क्यू आर। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, हाफ ऑफ पी क्यू आपका एम एन है और हाफ ऑफ क्यू आर आपका एल एन है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ एम एन इक्वल टू में हो जाएगा आपका एल एन। यही ना मैं प्रूव कर रहा था, ये कैसे हुआ, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। ठीक है, ये हमने प्रूव करके दिखा दिया। तो आज की क्लास में इतना ही, दो ही क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज में, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे तीन चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर आर डी शर्मा सोल्यूशन, रविकांत सर आर डी शर्मा सोल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.रविकांतसर.in। और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल से वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।